आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। जहां सूरज आकर डाले सबसे पहले अपना डेरा, यह भारत देश है मेरा। आचार्य दादूजी महाराज जी के सुमधुर गायन के साथ श्रीमद् भागवत कथा का हुआ समापन। खेतिया, एक सप्ताह चली भागवत कथा में विभिन्न प्रसंग आए। भागवत कथा तो आपके आने का बहाना है, सच तो यह कि आप सबके अंतर्मन को जगाना है। उक्त विचार आचार्य श्री दादूजी महाराज ने शहर के श्री बालाजी कॉटन इंडस्ट्रीज पर 12 अगस्त से जारी श्रीमद् भागवत जी कथा का आज समापन के अवसर पर कही। श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ एक विशाल कलश यात्रा से हुआ, जो गायत्री शक्तिपीठ परिसर से निकलकर बालाजी कॉटन पहुंची, जहां मालवी परिवार के सदस्यों ने श्रीमद् भागवत जी और आचार्य श्री दादू महाराज की धार्मिक महत्व अनुसार अगवानी की। श्रीमद् भागवत सत्संग लगातार एक सप्ताह चली। भागवत कथा में खेतिया और खेतिया शहर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों ने इस कथा का रसपान किया। विभिन्न प्रसंगों के दौरान श्रद्धालु झूमते रहे। श्री दादूजी महाराज ने विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा के साथ साथ जीवन जीने के उपाय, कर्मों की प्रधानता पर अपनी बात कही। श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन से इस श्रावण मास में वातावरण धर्ममय हुआ। प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग यहां कथा श्रवण करने पहुंचे। आज कथा समापन के अवसर पर आचार्य श्री दादूजी महाराज ने राष्ट्रभक्ति और अपने अंतर्मन को लेकर विचार रखे। देशभक्ति का गीत सुनाकर सबको भाव विभोर कर दिया। आज कथा के समापन दिवस पर कई लोगों ने कथा में पहुंचकर पूजन अर्चन कर आचार्य श्री का अभिनंदन भी किया। कथा के आयोजक कथा सुनने आए सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करते रहे। श्रावण माह में हुए इस आयोजन में सप्ताह भर श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति बनी रही। कथा समापन के दौरान पूर्व मंत्री प्रेम सिंह पटेल, अपने साथियों, भाजपा के पदाधिकारियों सहित शामिल हुए। आचार्य श्री का शहर की अनेक संस्थाओं के प्रमुखों ने अभिनंदन किया। श्री बालाजी कॉटन में आयोजित श्रीमद् भागवत जी सत्संग के प्रमुख आयोजक गजानंद बालासा मालवी परिवार की ओर से अमित मालवी ने कथा श्रवण हेतु पधारे श्रद्धालुओं का विनम्रता से आभार व्यक्त किया। खेतिया से राजेश नाहर की रिपोर्ट।